दीपावली के लंबे अवकाश के बाद गुजरात के ज्यादातर बाजार अब खुलने लगे हैं। इससे मूंगफली तेल की आवक प्रदेश के बाजारों में अच्छी देखने को मिली है। वहीं डिमांड का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण मूंगफली तेल में जोरदार गिरावट आ रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को मूंगफली तेल इंदौर 40 रुपए टूट गया और भाव 1580 से 1600 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। वहीं मूंगफली और सोया तेल के दामों में अंतर भी काफी बढ़ गया है। आगे मूंगफली तेल की आवक बढ़ने पर कीमतें और टूट सकती हैं। वहीं इंडोनेशिया ने पाम तेल के निर्यात शुल्क को माफ करने की अपनी नीति को तब तक बढ़ा दिया है जब तक कच्चे पाम तेल की संदर्भ कीमत $800 प्रति टन या उससे अधिक नहीं हो जाती। रूसी निलंबन के बावजूद तीन और जहाज यूक्रेन के बंदरगाहों से रवाना हुए हैं। इधर सीबोट और अर्जेंटीना FOB में अच्छी खरीदारी से KLC और प्रोजेक्शन में भी तेजी रही है, जिससे हाजिर बाजारों में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है। वहीं आपको बता दें कि सोया तेल इंदौर बढ़कर 1340 से 1345 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया है। वहीं इंदौर छावनी मंडी में सोयाबीन 5100 से 5300, एवरेज 4200 से 4700 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।